हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में बीते 16 दिसंबर को अमजद नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोटू और उसके साथी चरका को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बिहार के गया जिला भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन अमजद अपने घर से किसी काम के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में मोटू उसके पास पहुंचा और उससे उसका मोबाइल और पैसा छीनने लगा। अमजद ने इसका विरोध किया। उसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और बाद मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान मोटू ने अपने पास रखे चाकू को निकालकर अमजद पर कई वार कर दिए। चाकू लगने की वजह से अमजद मौके पर ही गिर पड़ा, जिसके बाद आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया था। ये देखिए, हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में 16 दिसंबर को एक घटना घटी थी दोपहर में, जो अमजद नाम का लड़का को नदी टोला के पास में तीन लड़कों ने मिलकर एक चाकू मारा था। बाद में उसका इलाज क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी का केस बाद में उनके भाई के फर्द बयान के आधार पर हुआ था हिंदपीढ़ी थाना में। उसी आलोक में हम लोगों ने दो अभियुक्त का भी गिरफ्तार किया है गया बिहार से, जिनका नाम मोटुआ एक नाम है और एक दूसरा का है चरका। मोटुआ का पूर्व से ही भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी वो हत्या का केस में जेल जा चुके हैं, आर्मशिफ्ट का केस भी है उसमें। तभी दोनों की निशानदेही पर हम लोगों ने चाकू भी बरामद कर ली है और इस पर अग्रतर अनुसंधान हम लोग जारी रखे हैं। बाकी जो एक अभियुक्त और बचा हुआ है उसको भी हम लोग गिरफ्तार का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या कुछ मामला था, क्योंकि पहले आग लगाई गई थी, उसके बाद मर्डर हुआ, पहले हत्या हुआ, मतलब कुछ पेचीदा मामला है ये? देखिए, जैसे हम लोग को इसमें अनुसंधान में आ रहा है कि ये लोग पूर्व से परिचित थे और हमेशा उधर आना जाना रहता था, तो उसी में से लोग आपसी कुछ वातावाती हुआ, उसी में ये लोग जो है उनको चाकू मार दिए थे। उसके बाद में उसके घर वाले और उसके जो जान पहचान के लोग थे अस्पताल ले जा रहे थे इलाज के लिए रिम्स में, उसी में इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।